गणतंत्र दिवस के ध्वजारोहण कार्यक्रम का मुख्य आयोजन SAF मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए प्रशासन के द्वारा भव्यता प्रदान की गई है। साथ ही परेड रूट को डामरीकृत कर स्थायी व्यवस्था बनाई गई। 26 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी के साथ मुख्यमंत्री के संदेश का, जिले की जनता के नाम संदेश का वाचन करेंगे। होने वाले कार्यक्रम के संबंध में कलेक्टर मनोज पुष्प ने निरीक्षण किया और बताया कि बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ गणतंत्र दिवस का महापर्व मनाया जाएगा। कोरोना काल के बाद पहली बार भव्यता के साथ उत्साह से कार्यक्रम का आयोजन होगा। पूरे मैदान को अलग रूप दिया गया है। आइए आपको दिखाते हैं परेड की तैयारी और सुनाते हैं कलेक्टर मनोज पुष्प ने क्या जानकारी दी है। अपने गणतंत्र की स्थापना का उत्सव मना रहा है। विशेष सशस्त्र को संविधान के लागू होने की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। हमारे बीच और इसके बाद बाघों की जन्मभूमि है, तो सुपारी के खिलौनों और कलाकृतियों के लिए रीवा नगर जग विख्यात है। यह तानसेन और बीरबल शिखा पाठक उप निरीक्षक के नेतृत्व में जिला पुलिस बल महिला की टुकड़ी सार्जेंट महेंद्र जायसवाल के नेतृत्व में NCC सीनियर बॉयज JRS कॉलेज रीवा मॉडल साइंस कॉलेज की प्लाटून सीनियर अंडर ऑफिसर सचिन मिश्रा के नेतृत्व में हमारी इस परेड में हिस्सा लेने वाले विभिन्न दस्ते, विभिन्न प्लाटून, जिसमें विशेष सशस्त्र बल की नमी वाहिनी जिसका नेतृत्व उप निरीक्षक का कर्ज चुकाने के लिए इस तरह का कारवां जर्रे जर्रे से होकर गुजरता है। मेरा रंग दे बसंती चोला कहकर फांसी के फंदों को चूमने वालों का ये एक तरह से परिचय प्राप्त करेंगे। परेड कमांडर केशव सिंह चौहान, द्वितीय परेड कमांडर गीता प्रजापति, सूबेदार रक्षित निरीक्षक से परिचय प्राप्त करते हुए विषमता और विविधता भरे भारतीय समाज को एकता के सूत्र में पिरोए रखने का, उनके बीच सदस्यता गणतंत्र दिवस का समारोह पूरे गरिमा के साथ और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जैसा आपने कहा है सही है, कोरोना के कारण हम लोग फुल फ्लेज्ड समारोह कई बार नहीं मना पाए हैं, लेकिन इस बार काफ़ी उत्साह है और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। बच्चों में, बड़ों में, सभी में उत्साह है और हम लोगों ने इसलिए विशेष व्यवस्थाएं भी की है ताकि जो लोग यहाँ पे कार्यक्रम देखने के लिए आ रहे हैं, पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं, उन सबको बेहतर फील हो और सभी के साथ मिलकर पूरे ज़िले में गणतंत्र दिवस का समारोह बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जा रहा है और सभी जगह उसकी अच्छी तैयारियाँ हो रही हैं। नई व्यवस्था की जा रही है सुरक्षित धूप बरसात के लिए, ये परमानेंट व्यवस्था हो जाएगी इससे, क्योंकि 26 जनवरी में तो कम, लेकिन कई बार 15 अगस्त के कार्यक्रम में बारिश अगर हो जाती थी तो तकलीफ हुआ करती थी। उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा हो जाए। पीछे एक वाशरूम भी इसीलिए बनाया जा रहा है और इस पूरे परिसर को खूबसूरत और भव्य करने की पिछले 3-4 महीनों से लगातार कोशिश हो रही है। आप देख रहे होंगे कि पूरे इलाके को खूबसूरत किया गया है, तो कोशिश ये है कि परमानेंट व्यवस्था भी अच्छी हो और कार्यक्रम गरिमापूर्ण और हर्षोल्लास के साथ बिना किसी असुविधा के संपन्न हो सके।